नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद के थाना भवन थाना क्षेत्र में हाई स्कूल के छात्रों पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के मसावी मोड़ स्थित इंडियन गैस एजेंसी के पीछे रास्ते पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हाई स्कूल के छात्रों पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया। छात्रों का कहना है कि वे एल्पाइन विद्यापीठ के छात्र है, वह हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं। उनका बोर्ड का सेंटर अर्पण पब्लिक स्कूल थाना भवन में लगा है। वह आज परीक्षा केंद्र से पेपर देकर वापस अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनके ऊपर गंभीर हमला हुआ है, जिसमें साहिब अली पुत्र आसिफ निवासी मसावी को गंभीर चोट आई है। थाना भवन सामुदायिक केंद्र ने उन्हें गंभीर देखते हुए सहारनपुर के लिए रेफर कर दिया। दो अन्य छात्रों अमीर आलम पुत्र शमीम निवासी मसावी, नवाजिश पुत्र इकराम को भी चोट आई है, जिनका इलाज थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। हमले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर मामला अपने संज्ञान में लिया है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। समर्पण से पेपर देने के बाद घर जा रहे थे और मेरे रास्ते में खड़े थे नदी से उतरने के बाद, और उधर उन्होंने तीनों ने रुक कतार के मारे पे लट बजाना शुरू कर दिया। क्या लड़के थे वे? सात। पहचानते हो उनको? आपका पेपर कौन से स्कूल में दे गए थे? अर्पण पब्लिक स्कूल। ये पहले लड़ाई चल रही थी तुम्हारी कुछ इनसे? आपके साथ कौन था? साहिब था और नवाजिश। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। हलचल इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।